भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। अपने खेत में मटर फसल की मशीन के जरिए चुराई करते समय युवा किसान का हाथ मशीन की चपेट में आ गया। मशीन के अधिक प्रेशर से उसका शरीर कमर तक मशीन में घुस गया। इस भीषण हादसे में युवा किसान की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक किसान का नाम पौनी तहसील के रनाला निवासी सुरेश दयाराम वैरागड़े, उम्र 35 वर्ष बताया गया है। यह दुर्घटना सोमवार 19 फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे घटित हुई। जानकारी के अनुसार सुरेश वैरागड़े यह अपने खेत में मटर फसल की मशीन द्वारा चुराई कर रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे मशीन पर काम कर रहा मजदूर पानी पीने के लिए मशीन से नीचे उतर गया। मजदूर के नीचे उतरते ही चंद पल के लिए खेत मालिक किसान खुद चुराई मशीन में चढ़कर काम करने लगा। तभी अचानक उसका हाथ मशीन में आ गया। चुराई मशीन का प्रेशर अधिक होने से उसका शरीर कमर तक मशीन में घुस गया, जिसमें किसान की मृत्यु हो गई। इस घटना की जानकारी पौनी पुलिस को दी गई। इस मामले में पौनी पुलिस ने धारा 174 के तहत मर्ग दाखिल किया। आगे की जांच पुलिस शिक्षक नरेंद्र निस्वादे के मार्गदर्शन में पौनी पुलिस कर रही है। स्थानीय पुलिस कार्यालय के मैदान पर उत्साह के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, पुलिस उप अधीक्षक आरवी थोरात उपस्थित थे। शुरुआत में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तुमसर तहसील के अंतिम छोर पर मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगकर बावनथड़ी नदी के किनारे आष्टी में रेत माफियाओं द्वारा अवैध रूप से 130 ब्रास रेत संग्रहित की गई थी। इसकी जानकारी राजस्व विभाग को होने पर विभाग के अधिकारियों द्वारा रविवार को देर रात 11:30 बजे बावनथड़ी नदी तल पर छापा मारा एवं बावनथड़ी नदी किनारे पर अवैध रूप से संग्रहित 130 ब्रास रेत के स्टॉक को जब्त किया गया। इस कार्रवाई से तुमसर मोहाड़ी तहसील में अवैध रूप से रेत का व्यवसाय करने वाले लोगों में खलबली मच गई। उपरोक्त कार्रवाई उपविभागीय अधिकारी दर्शन निकाल जे, प्रवेक्षाधीन उपविभागीय अधिकारी अनय नवंदर, तहसीलदार मोहन टिकले के मार्गदर्शन में नाकाडोंगरी मंडल अधिकारी देशभ्रतार एवं पटवारी द्वारा की गई। जिले में चल रहे जुआ तथा शराब अड्डे पर पुलिस विभाग द्वारा सोमवार 19 फरवरी को छापामार कार्रवाई कर लगभग 1,84,830 रुपए का माल जब्त किया गया। इस मामले में पुलिस विभाग ने संबंधित आरोपियों पर महाराष्ट्र जुआ बंदी कानून तथा शराब बंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के तहत की गई कार्रवाई में ग्राम सावरी निवासी आरोपी दीपक नत्थू रामटेके, उम्र 51 वर्ष, आरोपी प्रमंतिक पंचम रामटेके, उम्र 26 वर्ष, ग्राम गोपीवाड़ा निवासी आरोपी सचिन प्रभाकर उके, उम्र 30 वर्ष और ग्राम कोंढी निवासी आरोपी गौतम रामचंद्र बोरकर, उम्र 42 वर्ष के खिलाफ धारा 12 महाराष्ट्र जुआ बंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। भंडारा पुलिस ने राम मंदिरवाड़ निवासी आरोपी सतीश हरिश्चंद्र निपाने, उम्र 49 वर्ष, कारधा पुलिस ने की गई कार्रवाई में अंबाड़ी निवासी आरोपी स्वप्निल भरत कानेकर, उम्र 32 वर्ष पर मामला दर्ज किया गया। इसी तरह तुमसर पुलिस ने रविदास वार्ड निवासी आरोपी आकाश प्रकाश डोंगरे, उम्र 29 वर्ष के खिलाफ कार्रवाई कर आरोपियों पर अपराध दर्ज किया गया। महाराष्ट्र शराबबंदी धारा 65 के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। सभी कार्रवाइयां जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में की गई। पारंपरिक शेतीला फाटा देत भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यात येत असलेल्या देवाडी येथील अरुण मुटकरे यांनी 1.5 एकर शेतीत पेरूची लागवड करीत मालामाल झाले। हे आहेत भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील येत असलेल्या देवाडी येथील प्रगतिशील शेतकरी अरुण मुटकरे। कधी आसमानी तर कधी सुलतानी तर कधी वरुण राजाच्या नाराजगीमुळे दुष्काळाच्या छायेत त्यांना पारंपरिक धानाची शेती करावी लागत होती। मात्र त्यांना उत्पादन कमी आणि खर्च जास्त यायचे, त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी खचून न जाता व टोकाचे पाऊल न उचल
बदलता कृषि विभाग सल्ला घेत त्यांचे इतर शेतकऱ्यांचा सल्ला घेत पारंपरिक धान शेतीला 2019 पासून फटा देत बागायती शेतीकडे वळून 3 एकर शेतीतून फक्त 1.5 एकर शेतात VNR बानाच्या जवळपास 700 पेरूंच्या झाडांची लागवड करीत एका वर्षात तब्बल 10 लाख रुपयांचे उत्पन्न घेतले। त्यामधून 5 लाख रुपयांचे खर्च आले तर 5 लाख रुपये नगदी नफा या शेतकऱ्याला झालाय। अरुण पांडुरंग मुटकुरे, राहणार देवाडी, तालुका तुमसर, जिल्हा भंडारा। माझ्याकडे 3 एकर शेती असून 1.5 एकर मध्ये जांबाचा बगीचा लावण्यात आलेला आहे माझ्या। त्याच्या अगोदर सन 2019 अगोदर मी धानाची शेती करत होतो, ती पुष्कळ महागात जात होती आणि मला तिचा प्रॉफिट मिळत नव्हता। म्हणून मी बाहेर फिरत असताना मला एका जागी जांबाचा बगीचा आढळला। त्याच्या उत्पादन आणि त्याच्या पीक पाहणी केल्यानंतर मी लावण्याचा विचार केला आणि ते लागवड केली। तेव्हापासून मला त्या जांबाच्या बगीचात घर परिवार चालण्याकरता उत्पन्न होत आहे। ते मी VNR वानाचे VNR कंपनीचे झाड लावण्यात आलेले आहेत माझे। 700 झाड बसलेले आहेत 1.5 एकरामध्ये। मला आता 3 वर्षाच्या नंतर 10 टन उत्पन्न होते, त्याला मार्केट रेट 50-40 मिळत राहतो। वर्षाला मला 5 लाख रुपये खर्च येतो पूर्ण लेबर कास्टिंग पासून विद्युत बिल पर्यंत आणि 10 लाखाचा उत्पन्न मिळतो। त्याच्यातून 5 लाख रुपये मला निव्वळ नफा मिळतो वर्षाला। विक्री करायला कुठे? विक्री लोकल बाजारपेठमध्ये आणि व्यापारी शेतात येऊन घेऊन जातात। तर पेरू फळाने अरुणच्या जीवनात गोडवा निर्माण केलेला आहे। तेव्हा राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीला फाटा देत बागायती शेतीकडे वळून आपल्या जीवनात गोडवा निर्माण करण्याचा आदर्श या शेतकऱ्याने दिलेला आहे। लाखनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले नियत क्षेत्र रामपुरी के एक खेत परिसर में 2 नर भालू रविवार 18 फरवरी को मृत अवस्था में मिले। प्राथमिक जांच में वन विभाग को भालुओं की मौत करंट लगने से होने का अनुमान है। भालुओं का शव विच्छेदन किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम रामपुरी निवासी किसान श्री राम कायतने के खेत गुट क्रमांक 445/2 तथा राजकुमार कुडापे के गट क्रमांक 478 में रविवार को 2 नर भालू मृत अवस्था में दिखाई दिए, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। पश्चात बाद वन विभाग के उप वन संरक्षक राहुल गवई, सहायक वन संरक्षक RP राठौर, लाखनी के वन परिक्षेत्र अधिकारी सूरज गोखले ने घटना स्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। इस समय पालानदूर के पशु वैद्यकीय अधिकारी देवयानी नगराने को शव विच्छेदन के लिए बुलाया गया। इस दौरान भालू के शरीर पर करंट लगने के निशान दिखाई दिए। किसानों द्वारा फसल की सुरक्षा के लिए खेत में करंट छोड़े जाने की संभावना बनी हुई है, जिसकी चपेट में आने से 2 भालुओं की मौत हो गई। यह शिकार का प्रकरण माना जा रहा है। वन विभाग ने इस प्रकरण में जांच शुरू की है। लोकसभा चुनाव 2024 का महासमर शुरू होने से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली कूच का ऐलान करके किसान हरियाणा पंजाब बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। 6 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार अब तोहफा देकर रिझाने का प्रयास किया है। मोदी सरकार ने किसानों के आक्रोश को शांत करने के लिए प्याज के निर्यात पर लगाए गए बैन हटा लिया है। इसी के साथ 3 लाख
मीट्रिक टन प्याज के निर्यात को मंजूरी भी दे दी है। इसमें से 50,000 टन प्याज बांग्लादेश भेजी जाएगी। प्याज के उत्पादन में कमी के कारण गत वर्ष दिसंबर में प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थी। सामान्य तौर पर 25 रुपए किलो बिकने वाले प्याज के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। इसके बाद सक्रिय हुई केंद्र सरकार ने बीते 8 दिसंबर को प्याज के निर्यात पर बैन लगा दिया था। विदेशी व्यापार के डायरेक्टर जनरल की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में 31 मार्च 2024 तक बैन लगाए जाने की जानकारी तब दी गई थी। प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाते समय महाराष्ट्र और गुजरात में प्याज के स्टॉक पर विचार किया गया। कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि केंद्र सरकार प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है। मराठा आरक्षण की मांग पर सरकार की ओर से जारी अध्यादेश अभी तक लागू नहीं किया गया है, इसलिए एक बार फिर से मनोज चरांगे पाटिल अनशन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आंदोलन चल रहा है, इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। मराठा समुदाय की ओर से लातूर में लगातार तीसरे दिन चक्का जाम आंदोलन किया गया। इसी दौरान नांदेड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मोहन हम्बर्डे की गाड़ी पर पथराव किया गया और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। पूरे हालात को देखते हुए परिवहन निगम ने जिले की बस सेवा बंद कर दी है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। लाखनी तहसील कार्यालय में रखी बाइक की चोरी की घटना सामने आई है। फिरियादी केसलवाड़ा बाग निवासी पंकज दुर्गेश्वर कावले उम्र 30 वर्ष ने लाखनी तहसील कार्यालय परिसर में बाइक रखा था। यह बाइक अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। लाखनी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। घर के सामने रखे दोपहिया वाहन को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने की घटना सिरसी में सामने आई है। फिरियादी सिरसी निवासी संतोष देवीदास वाघमारे उम्र 35 वर्ष ने घर के सामने दोपहिया वाहन रखा था, किसी अज्ञात चोर ने चुरा कर ले गया। बिना लाइसेंस परिवहन कर रहे टिप्पर के खिलाफ कार्रवाई कर जब्त कर लिया था। टिप्पर 6 ब्रासलेट सहित अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। फिरियादी रमेश पथुर आवारी की शिकायत पर पौनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शेयर मार्केट के नाम पर अधिक लाभ प्राप्त करने का ऑनलाइन लालच दिखाकर लोगों से पैसे प्राप्त करके धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को आमगांव पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम सांताक्रूज मुंबई निवासी कल्पेश सतीश मिश्रा उम्र 38 वर्ष बताया गया है। भंडारा पुलिस ने जिले में शुरू शराब अड्डे पर छापा मारकर 23,030 रुपए की शराब जब्त की। राम मंदिर वार्ड भंडारा निवासी सतीश हरिचंद निपाने शराब बेचते समय मिला। देवरी थाने के तहत चीचेवाड़ा से मुर्दोली नेशनल हाईवे पर वाहन में मवेशियों को अवैध रूप से ले जाते समय पकड़ा गया। कार्रवाई में एक वाहन 3 मवेशी ऐसे कुल 183,000 रुपए का माल जब्त किया गया। फिरियादी हवालदार नरेश कायदानी की शिकायत पर देवरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गंगाझरी थाने के तहत MIDC मुंडीपार सत्यम राइस मिल के बाजू में अंडरग्राउंड वाटर टैंक के निर्माण के दौरान एक मजदूर पर मिट्टी का ढेर गिरने से उसकी मौत हो गई। मृत व्यक्ति का नाम बालाघाट जिले के अकोला निवासी गुलाब सिंह कारू मडावी उम्र 56 वर्ष है। गंगाझरी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।